नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में 34 बच्चियों से रेप की वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने नीतीश सरकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। विपक्ष नीतीश कुमार से सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव बना रहा है और अपराधियों के खिलाफ सख्त सजा दिलाए जाने की मांग कर रहा है। इस बीच घटना को लेकर गुरुवार को वाम दल और दूसरे संगठनों ने मिलकर बिहार बंद का आह्वान किया, जिसका काफ़ी हद तक असर दिखाई दिया। बंद को RJD, कांग्रेस, हम समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक जनता दल ने भी खुला समर्थन दिया। बंद के समर्थन में सभी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर निकल गए। तमाम जिलों में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन के साथ कुछ जिलों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को भी रोका। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले को लेकर दिल्ली में बिहार भवन पर भी भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया है। गुरुवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बच्चियों के साथ हुई इस दरिंदगी पर केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बिहार सरकार और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की रिपोर्टिंग कर रही मीडिया को भी कुछ खास निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में पटना से एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर संज्ञान लेने की दरख्वास्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस वारदात को शॉकिंग बताते हुए इस मामले को उजागर करने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मीडिया को सख्त ताकीद की गई है कि बच्चियों की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कि ब्लर करके भी नहीं। इसके अलावा किसी भी पीड़ित बच्ची के इंटरव्यू पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हैवानियत वाले इस कांड में एडवोकेट अर्पणा भट्ट को भी एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है। उधर CBI ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। CBI ने कहा है कि नाबालिग लड़कियों से बाल गृह के कर्मियों द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले में गहन फॉरेंसिक जाँच कराई जाएगी। CFSL की एक टीम जल्द ही मुजफ्फरपुर जाकर आश्रय गृह से फॉरेंसिक नमूने इकट्ठा करेगी। अधिकारियों ने बताया कि पीड़िताओं के बयानों का इस्तेमाल कर समझने की कोशिश की जाएगी कि अपराध को कैसे अंजाम दिया। फिर इस ब्यूरो का इस्तेमाल आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। चूँकि इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का CM नीतीश कुमार से कनेक्शन है, इसलिए सरकार की और भी ज़्यादा किरकिरी हो रही है। 34 बच्चियों से रेप की पुष्टि हो जाने के बाद कुछ पीड़ितों ने कोर्ट में ऐसी दहला देने वाली आपबीती बताई जिसे सुनकर हर कोई सहम जाए। पीड़ित बच्चियों ने बताया कि उन्हें नशीला पदार्थ दिए जाते थे और मारा पीटा जाता था, उसके बाद रेप किया जाता था। कईयों को पेट में दर्द की शिकायत बनी रहती थी। कुछ लड़कियां खुद को सुबह उठकर निर्वस्त्र पाती थी। एक नाबालिग बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसे रात को खाने के बाद सफ़ेद और गुलाबी गोलियां दी जाती थीं, जिसे खाकर वो सो जाती थी। ऐसी घटनाएं शर्मनाक ही नहीं, देश पर कलंक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो 15 अगस्त को अपने भाषण में चुनावी प्रचार के बजाय ऐसी घटनाओं पर खेद प्रकट करें। अगर खेद प्रकट नहीं कर सकते तो अपना प्रचार भी ना करें, और साथ ही सूबे की नीतीश सरकार को इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे प्राइम टाइम खबर। नमस्कार।